सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 8, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का भाग 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, बंग भंग आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जिनके बारे में जानेंगे वो है बाल गंगाधर तिलक जी। इनका भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान रहा है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक निडर साहसी नेता पत्रकार थे, जिनकी भाषा सरल स्पष्ट और अंग्रेज सरकार पर चोट करने वाली थी। इनका मानना था कि राजनीतिक अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ता है। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया। ये यथार्थवादी राजनीतिक और व्यवहारिक व्यक्ति थे। इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम जैसे त्योहारों के माध्यम से, गीतों, भाषणों व अन्य तरीकों से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना शुरू किया। 1896 में इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। कूका आंदोलन के अस्त्र का व्यापक प्रयोग किया इन्होंने। देश में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने की अनेक प्रयास इन्होंने किए। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं बंग भंग आंदोलन। देखिए, जो अंग्रेज थे उन्होंने शुरू से ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, ताकि भारत के लोग आपस में लड़ते रहें और ये लोग हम पर राज कर सकें। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल में जो मुस्लिम थे उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की, ताकि वो जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं उनमें फूट डाल सकें और लंबे समय तक अपना राज्य यहाँ पर चला के रखें। तो जान लेते हैं अब हम बंग भंग आंदोलन क्या था। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने आदेश जारी किया 16 अक्टूबर 1905 को कि एक नए राज्य को अस्तित्व में लाएंगे। यह सुनते ही पूरे बंगाल में आक्रोश पैदा हो गया कि बंगाल का विभाजन कर एक नया राज्य अस्तित्व में लाएंगे। जो आक्रोश फैला, इसमें ना केवल नेता, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब सड़कों पर उतर आए। उन दिनों में बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था। उन्होंने इस अप्राकृतिक विभाजन को किसी भी कीमत पर लागू ना होने की चेतावनी दी। समाचार पत्रों में विशेष लेख छापे गए, लोगों को एकजुट किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की अपील की गई, जनसभाएं की गई, ताकि इस जो बंगाल का विभाजन था उसे टाला जा सके। अंततः ब्रिटिश सरकार इनके विद्रोह के आगे झुकी और उस विभाजन को रद्द कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब हम जान लेते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। देखिए, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने पक्ष में शामिल करने की कोशिश की, ताकि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। परंतु शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये अनुमान हो गया कि अंग्रेज ऐसा कदापि नहीं करेंगे, तो भारतीय नेताओं ने असंतुष्ट होकर दूसरा मार्ग खोजना शुरू किया। ये जो असंतुष्टता थी अंग्रेजों के खिलाफ, यही होम रूल आंदोलन के जन्म का कारण बनी। 1915 और 16 के मध्य में दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पुणे होम रूल, जिसका
जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास में जिसकी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इसमें शस्त्र प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने एक ध्वज बनाया जो कि लोगों को अधिक लोगों के मध्य अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया। 1920 में इस होम रूल लीग का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया। एक वर्ष में ये संगठन संयुक्त भारतीय राजनीतिक मोर्चों के लिए भारतीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया और इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। देखिए, इस होम रूल में तिलक जी ने एक नारा दिया जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, जिसने कि इस आंदोलन में एक प्राण फूके थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।